जून की तपती शदीद गर्मी से ज्यादा इस वक्त यूपी में सियासत का पारा हाई है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन यूपी की सियासी दाव पेच का खेल जारी है। सीएम योगी इस वक्त पूरी तरह से एक्शन में हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो मुजाहिरा सामने आया, उसके बाद से सीएम योगी लगातार ओहदेदारान और पार्टी लीडरान के साथ बैठक कर रहे हैं। सवाल एक ही है कि आखिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कहां चूक हुई और उस चूक को कैसे ठीक किया जाए। यूपी के आवाम के दिल में आखिर क्या है, ये सवाल अब योगी के लिए सबसे अहम है। विकास, रोजगार और सिक्योरिटी के मुद्दे पर अपोजिशन योगी सरकार को लगातार घेरता रहा है, लेकिन बीजेपी ने इल्जामात से इनकार करते हुए यूपी के विकास का दावा किया, लेकिन उन दावों से सीटों पर जीत की स्ट्रेटेजी सटीक नहीं बैठी और लोकसभा चुनाव में नतीजे वैसे नहीं आए जैसा बीजेपी चाहती थी। अब सीएम योगी ने यूपी में बुनियादी सहूलत पर जोर देने की कवायद तेज कर दी है। योगी की अब जितनी भी मीटिंग हो रही है, उनमें साफ तौर पर यह पैगाम दिया जा रहा है कि यूपी में लोगों को हर तरह से बुनियादी सहूलत मिले, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, किसानों के मुद्दे हो, सिक्योरिटी की बात हो या फिर रोजगार से जुड़ा मसला हो। इन सारी कवायद के पीछे बड़ी वजह है यूपी में होने वाले असेंबली उपचुनाव, जो सीएम योगी के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। यूपी में 9 सीटों पर असेंबली के जिमनी इंतखाब होने हैं। ये जिमनी इंतखाब उन सीटों पर होंगे जो लोकसभा चुनाव की वजह से खाली हो गई है। इन सीटों से लड़े एमएलए अब एमपी बन गए हैं, जिसकी वजह से खाली हुई इन सीटों पर अब जिमनी इंतखाब की तैयारी है। ये जो 9 सीटें हैं, उनमें 2022 में समाजवादी पार्टी के 4 सीटें, बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, आरएलडी के खाते में 1 सीट आई थी और निषाद पार्टी का 1 एमएलए था। अब इन सीटों पर असेंबली जिमनी इंतखाब का इम्तिहान होगा, लिहाजा अपनी अपनी सीट बचाने का इन पार्टियों पर दबाव है, साथ ही इनके लिए ये नाक का सवाल भी बन गया है। इसी को देखते हुए हर खेमा अपनी अपनी चुनावी हिकमत अमली बनाने में जुटा है। कोशिश यही है कि किसी भी हाल में अपनी जीती हुई सीट को पार्टी बरकरार रखे और इसके लिए उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन जारी है। आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जबरदस्त किस्म से मेहनत करेगा। अभी से हमारे कार्यकर्ता जुट गए हैं। इस बीच खबर है कि असेंबली जिमनी इंतखाब के दंगल में कांग्रेस भी पूरी तैयारी से उतरने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटों पर मिली जीत से पार्टी में जोश है और यही वजह है कि एक बार फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी दंगल में उतरने की स्कीम बना रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस जिमनी इंतखाब में समाजवादी पार्टी से 3 से 4 सीट मांग सकती है और इसके लिए दोनों ही पार्टियों में जल्द बातचीत होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। यूपी की जिन 9 सीटों पर असेंबली के जिमनी इंतखाब होने हैं, उनमें फूलपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, मजवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी की सीट शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटेजी सटीक न बैठी हो, लेकिन इस बार सीएम योगी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये अब योगी की नाक का सवाल बन गया है। यही वजह है कि जिन 9 असेंबली के एमएलए पार्लियामेंट पहुंचे हैं, वहां बीजेपी भगवा लहराने की कोशिश में जुटी है, ताकि लोकसभा चुनाव में मिले हार के दर्द को कुछ हद तक कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।